24, क्वेश्चन नंबर 25 मैंने करा दिया था. 24 नहीं हुआ है ना, पक्का? हाँ भाई, ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू 1 फॉर विच दिस इज क्वेश्चन मार्क. ठीक है ना भाई, एक्चुअली क्या है ना, ये क्वेश्चन में कुछ कमी है. द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स है, ठीक है ना, ये टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स होगा, पक्का? हाँ भाई, अब हम उससे क्या क्या चाहते हैं वो देख लीजिए आप. देखिए एक सेकेंड, क्वेश्चन में दे रखा है 0 से लेकर x तक t स्क्वायर अपॉन में दे रखा है 1 प्लस t की पावर 4 डॉट dt इज इक्वल टू में 2x माइनस 1, और x की वैल्यू दे रखी है आपको कहां से काम है, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा देखिए पहले अब ये सोचिए रूट्स अपन ने कहां पढ़ा, क्वाड्रेटिक में. रूट्स का नाम सुनते हैं क्वाड्रेटिक क्योंकि हमारी सबसे मजबूत याद वही है. ठीक है, फिर आपने 12th में पढ़ा, और एक 12th के बाद अभी 13th में पढ़ा रूट्स के नाम पे आपने दो जगह पढ़ी. एक आपने रोल्स थ्योरम पढ़ी, लैग्रांज थ्योरम पढ़ी, याद है ना आपको? रोल्स के अंदर आपने रूट्स पढ़े लेकिन लैग्रांज में रूट्स नहीं पढ़े थे. मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर सिर्फ रोल्स में रूट्स होते हैं, लैग्रांज में रूट्स नहीं होते. इसके सिवा आपने पढ़े थे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में, याद है ना आपको? अब आपको ये पता होना चाहिए कि रोल्स के अंदर भी एक इंटरवल दिया जाता है, और आईबीपी में भी, आईबीपी क्या बोल रहा हूं, है ना, आईबीटी के अंदर भी एक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में भी एक इंटरवल दिया जाता है. तो ये दोनों में से किसी एक में उलझेगी, सही है? अब दोनों में जाने का एक ही रास्ता है, मतलब आपको ये, मैं आपको ये सिखा रहा हूं स्टार्ट कैसे करूंगा, ठीक है ना. स्टार्ट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले एक फंक्शन मानो. फंक्शन हमेशा जब भी ऐसा दिया हो तो दोनों का डिफरेंस अंतर होता है. अरे ये सिखा जाता है ना मोनोटोनिसिटी में, डिफरेंस को अंतर लेते हैं भाई, डिफरेंस को फंक्शन मानते हैं. माइनस टू एक्स प्लस वन, अभी भी नहीं पकड़ में आपके, ये आपने फंक्शन मान लिया. अब आप इसका एफ डेस एक्स पे आ जाओ, इसका एफ डेस एक्स करते ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर फोर, सही है? माइनस में टू एक्स का टू, बाकी सब उड़ गया. एलसीएम कैल्सियम ले लू, ठीक है ना. वैसे भी आपको एक और बात बताता हूं, ये हमेशा एक से कम रहेगा, ऐसे ही सोच लो ना, लेस देन वन है भाई, नहीं है आपके समझ में, ये पकड़ना है आपको, ये हमेशा एक से कम रहेगा, पता है ना आपको? इसी शक्ल देखो, एक से, अब एक से कम में से दो घटाओगे तो नेगेटिव, नहीं है इसके नेगेटिव होते हैं एफ डेस एक्स नेगेटिव, बोले फंक्शन, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग तो जीरो से वन के बीच में ये गिरता जाएगा, सही है? अरे जीरो से वन के बीच में गिरता जाएगा, अगर ये जीरो से वन के बीच में गिरता जाएगा, ठीक है. अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, कितने रूट्स हैं आप क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा टोटल नंबर ऑफ रूट्स पूछ रहे हैं. एक सेकंड, तब तक एक मिनट, ये गिरता जाएगा. आगे सोच रहा हूं, सबसे पहले मैं फंक्शन के अंदर एक बार जीरो डालूं, देखें जीरो पे कहां है ये, जीरो डालते ही एक्स की जगह जीरो, सही है? ये जीरो तो बच्चा कितना, वन, माने जीरो पे वन पे, राइट है? अब मैं फंक्शन में वन डाल रहा हूं, याद है ना, अगर मैंने फंक्शन में वन डाला तो जीरो टू वन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. अब अपने यहां पे फंसे हैं बस, बाकी कहीं नहीं फंसे, पीछे वन लगते ही माइनस वन, इतना तो समझ में आ रहा है ना. इसका मतलब ये कि यू नीड टू इंटीग्रेट फ्रॉम जीरो टू वन टू टी टू बार टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी टू बार फोर. अब बड़े ही ध्यान से सुनना, बड़े ही ध्यान से, ये सब क्या है, कूल माइंड के काम है, ऐसे जल्दबाजी के नहीं है. आप इसमें जल्दबाजी मत मचाइए, आप पहले आराम से सोचो कि हम लोगों ने कभी ये सुना है कि अगर बाय द वे एक्स की डिग्री हर तरफ इवन हो तो क्या करते हैं, पहले ये सोचो. अगर एक्स की डिग्री ऊपर नीचे हर तरफ इवन हो तो सबसे पहले किसी का डिवाइड करते हैं, किसका डिवाइड करूं, एक्स स्क्वायर का. तो याद रखना, अगर भाई मुझे इससे स्टार्ट करना है तो मुझे किससे डिवाइड करना है, टी स्क्वायर से. अगर मुझे टी स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो ऊपर की तरफ बन जाएगा वन. तो ये बेसिकली लिखा हुआ है वन अपॉन में कितना, नहीं मैं कुछ और सोच रहा हूं, मैं कुछ और सोच रहा हूं आपके लिए, है ना. मैं, हाँ ठीक है, क्या बता रहे थे आप, टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, बराबर है ना भाई? अच्छा, लेकिन आपको बताएं इसके बाद में मेरे पास एक ही चॉइस बचेगी, या तो मैं माइनस टू करूं या प्लस टू करूं, सही है ना भाई? अब बड़े ही ध्यान से फिर सुनते जाना, अगर मैंने माइनस टू कर दिया तो इट विल बिकम टी माइनस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर. टी माइनस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर अगर नीचे है तो मेरे पास एक ही चॉइस है कि मैं उसे जेड मानूं, और टी माइनस वन अपॉन टी को अगर मैंने जेड मान लिया तो उसका डिफरेंशिएशन वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ऊपर तो वन है. तो एक काम करो, बाहर की तरफ दो से मल्टीप्लाई, दो से डिवाइड करो. अब इसे हिंदी में पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, कितना, दो, दो बोले तो एक प्लस एक, सोचा
और एक तरफ 1 अपॉन टी स्क्वायर जोड़ो और एक तरफ 1 अपॉन टी स्क्वायर घटाओ, नहीं आया समझ में? और दोनों के नीचे जब आप ये लगाओगे ना टी प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, तो दोनों के नीचे अलग लगेगा, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, एक बार यहां लगेगा एक बार यहां लगेगा। अब वापिस सुनना, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस 2 इसके साथ बैठाओ, प्लस 2 को बाहर बैठाओ, अगर ऊपर माइनस है तो प्लस 2 को इसके पास बैठाओ और माइनस 2 को बाहर बैठाओ। अब आप ध्यान से देखिएगा, इट इज टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस 2, और टी माइनस 1 अपॉन टी को अगर अपने जेड मान ले तो ऊपर वाला डीजेड, तो ये लिखा हुआ है 1/2 इंटू में डीजेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2। सोचो, नहीं है? अच्छा, और इधर की तरफ लिखा हुआ है, अगर मैंने इसे यू मान लिया तो मैं डायरेक्ट लिख दूं प्लस में 1 अपॉन 2 है ना, डी यू अपॉन यू स्क्वायर माइनस 2, यू स्क्वायर माइनस 2। अब आप इंटीग्रेट तो कर ही लेंगे, इंटीग्रेशन के बाद में आपको लिमिट भी पुट करनी है, लिमिट पुट करने के बाद में आपको इसमें से 1 भी घटाना है, सही है? तो जब आप 1 घटा लोगे तो मेरे पास में कोई आंसर नहीं है, है ना? बस इतना सा है मेरे को पता है कि F0 पॉजिटिव आए, F1 कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। समझ रहे बात को? इसका मतलब बीच के अंदर एक रूट आएगा, ठीक एक रूट, सही है? तो क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्टली 1 रूट आएगा, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स नथिंग, डिस्टिंक्ट रूट कुछ भी नहीं आएगा, एक ही रूट आएगा, भिन्न भिन्न नहीं आएंगे, मतलब है ना? अगली बात हूं, आप लोगों ने बिल्कुल ही नहीं करी है लगता, और ये नहीं, ये है भी बहुत अच्छी, ऐसा नहीं है कि आप इसमें गलत हैं। हाँ, ये बिल्कुल नहीं बनते, बिल्कुल नहीं बनेंगे, मैं तो खुद एक एक बनवाऊंगा, मैं आपका एक एक में मदद करूंगा इसमें। हाँ, ये इसमें अगर मैंने छोड़ दिया ना तो ये नाकामी होगी मेरी। क्वेश्चन नंबर 11 देखा ना, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका, नहीं आप चिंता नहीं करें, पूरी तरह से जितनी दूर तक मैं आपकी मदद कर सकता हूं कर लूंगा इसमें, और आप तो बस जो ये कर रहे हैं इसी के साथ में मेहनत कर लो जितना हो सकता है उतनी। राइट है, आइए बात करते हैं, इसको 1/60 भी है, मजेदार क्वेश्चन है, करें इस पे बात, है ना? ट्राई करता हूं, बड़े ध्यान से एक एक बात सुनना, जो सिखा रहा हूं आप में से कई लोगों के लिए फिर से आगे का कोई मंत्र काम में आ जाएगा किसी जगह से। देखिए साहब, ऐसा है, आप जब 1+2+3 से लेकर के n तक का सम करते हैं तो आपका आंसर आता है n into n plus, तो क्या मैं ऐसे n² / 2 + n/2 बोल दूं? सोच लिया आपने? जो सिखा रहा हूं आप बड़े ध्यान से धीरे धीरे सीखते जाना। अगले नंबर पे अगर मैं 1 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर से लेकर के n के स्क्वायर तक का सम करता हूं तो आपका आंसर होता है n (n+1)(2n+1)/6। पक्का? अच्छा, जब मैं इसको डिवाइड करके हटूंगा तो इट विल बी n³/3। बहुत आराम से सोचना, सोच लिया? प्लस के अंदर n² का कोई टर्म आएगा डिवाइड बाई कुछ और होगा, ऐसे ही एक n का टर्म आएगा डिवाइड बाई कुछ होगा, एक कांस्टेंट टर्म आएगा, ठीक है, डिवाइड बाई कुछ होगा। धीरे धीरे आ जाएगा आपको मेरी बात में क्या समझाना चाह रहा हूं। मैंने n (n+1)(2n+1) को ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया है तो एक n³ में इक्वेशन आ गई है, नहीं आया समझ में? उस n³ की इक्वेशन मैंने डिवाइड बाई 6 भी कर दिया है तो एक n³/3 मिला, एक n² का टर्म, एक n का टर्म और एक कांस्टेंट मिल गया। यहां तक किसी को एतराज हो तो बताइए। फिर आगे समझना, अगर वाई दे आपने यही n³ + 1³ + 2³ से लेकर के n³ तक करा होता तो आप इसका होल स्क्वायर बोल रहे होते, सही है? इसका होल स्क्वायर होता n^4/4 प्लस में एक सी n³/2, सोच लेना, एंड डैश। अरे
स्क्वायर के अंदर एक 2ab आता है ना, वो 2ab है। नहीं पकड़ में आपको, आ गया यहां तक? आ गया। अब जो चीज ध्यान से देखने वाली है वो देखिए आप, जितना सबका पहला टर्म ही काम का है, दूसरे टर्म में डिवाइड में कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट टर्म में ध्यान से देखिएगा, एन स्क्वायर बाई टू, एन क्यू बाई थ्री, एन की पावर फोर बाई फोर। हाँ, इसके बाद वाली डिग्री में नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप सिर्फ पहले टर्म पे नजर रखें तो आपका काम बन जाएगा। अगर हम ध्यान से देखते हैं, जब इसकी डिग्री वन है तो उसकी डिग्री टू और टू है, जब इसकी डिग्री टू है तो इसकी डिग्री थ्री और नीचे भी थ्री है, जब इसकी डिग्री थ्री है तो ऊपर फोर और फोर है। तो जिस दिन इसकी डिग्री ए होगी, एन की पावर अपॉन ए प्लस वन होएगा। ये बात आपके समझ में आ गई है ना? अब दूसरी बात सुनना, फिर एन की पावर ए भी होगा, उसके नीचे कुछ के वन लगा लेता हूं, कुछ होगा, मेरे को तो मतलब भी नहीं है। उसके बाद में एन की पावर ए माइनस वन होगा और उसके नीचे के टू लगा लेता हूं, एंड डैश डैश पीछे तक खींच देते हैं, एक की बारी में लकीर। आपके बात समझ में आ गई? Yes, नहीं आई? अच्छा, नीचे वाले के अंदर से मैंने एन को कह दिया प्लीज बाहर आ जा, एन बाहर आकर के ए माइनस वन लेकर आया, प्लस के अंदर वन प्लस वन बाई एन बन गया है, ऊपर पावर में ए माइनस वन बन चुका है। सही है? आप में जो समझदार आदमी है वो जानता है एन ए एन ए एन ए एन बार है, तो एन ए एन ए एन ए एन बार एन इंटू एन ए, बोले तो एन स्क्वायर है। नहीं समझ में आया? तो आप में सभी को समझ में आ गया, ये बन गया कितना, एन स्क्वायर ए प्लस एक से लेकर के एन तक का सम, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का मतलब होता है एन स्क्वायर बाई टू प्लस एन बाई टू। सही है भाई? अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एन स्क्वायर, तो ये ए प्लस वन बाई टू रह गया। इसके एन स्क्वायर को भी मैंने कहा प्लीज बाहर आ जा, एन स्क्वायर जब बाहर आया तो इसको प्लस वन कर गया। नहीं समझ में आया आपके, है ना? अब ध्यान से सुनना, अब जब मैंने इसको देखा तो मैंने कहा देखो भाई तुम में सबसे बड़ा ये है, एन की पावर ए प्लस वन बाहर आ जा, एन की पावर ए प्लस वन को बाहर बुला लू, एन की पावर ए प्लस वन अगर बाहर आ गया ठीक है ना, तो खुद की जगह वन छोड़ेगा, पास वाले के अंदर डिवाइड बाई एन हो जाएगा, इसके अंदर डिवाइड बाई एन स्क्वायर हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? नहीं है? अब आपको ये तो पता होगा ये बाहर ही क्यों बुलाए गए थे, ताकि कट जाए। अब मैं कहूंगा एन छू इन्फिनिट लग जा हर जगह, इन्फिनिट लगते ही जीरो जीरो एंड पीछे की पूरी सीरीज जीरो, इधर ये जीरो बच कौन गया वन, इधर की तरफ देखा जाए तो ये टू बाई एन है क्या? ओके, टू बाई एन पक्का है ना भाई? ये पता है क्यों टू बाई एन है? क्योंकि अपन एन स्क्वायर बाहर निकाला तो इसका डिवाइड ही नहीं लगाया था, तो ये जीरो, तो फाइनली ऊपर की तरफ क्या बच गया वन अपॉन ए प्लस वन, नीचे की तरफ क्या बच गया ये ए प्लस वन बाई टू। सोचना नहीं है? And that is all equal to solve question khatam, no integration required, question pata chal gaya hai na? Agli baar chalenge ab. Ho gaya, aage chalenge fatafat se. Aap to kya karo na, apne tab tube jo bhi phone won ho agar to best hai है ना, फोटो खींच लिया करो, आगे चलते रहा करो। आईफोन है तेरे पास तो बस बेस्ट है, और क्या नहीं है ना? ये सब बताऊं ठीक है?